यहां पर जनाब नदरिबियासकल हजर का जो वाकया दरपेश आया है वो इस मकाम पर, यहां से भी चश्मा फूट रहा है इस तरफ से देख रहे हैं और यहां से भी पानी आ रहा है इसके अंदर से। हम आ चुके हैं ऐन अल मूसा पे, ये जो इमारत आपको नजर आ रही है इसी के अंदर वो चश्मा। यादे शहबत हामें जाके उस प्यारे से मंजर को आपके सामने लाते हैं। ये घोड़े दौड़ाते हुए समंदर के अंदर रास्ता देखे, ये भी दाखिल हो गए। जब बीचा बीच में पहुंचे तो बिल्कुल समंदर बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मेरे पीछे आप अमान का बोर्ड देख रहे होंगे, ये अमान लिखा हुआ है। इस तरफ सीधा अगर जाएंगे तो ये शहरे अमान की तरफ ये रास्ता लेकर जाता है जो जॉर्डन का कैपिटल शहर है। और यहीं से अगर आप यू टर्न ले लेंगे, इस तरफ जाएंगे तो एक छोटा सा शहर है वादिये मूसा, जहाँ पे सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिही सलातु वस्सलाम का पत्थर पे असा मारने का वाकया दरपेश हुआ। रास्ते के बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, कुछ मनाजिर रास्ते के देखते हुए हम उस ऐन अल मूसा की तरफ बढ़ते हैं। आप रास्ते के मनाजिर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। वो वहां पर हमने गाड़ी खड़ी की हुई अपनी, नाज़रीन इस वक्त हम आ चुके हैं ऐन अल मूसा पे, ये जो इमारत आपको नजर आ रही है इसी के अंदर वो चश्मे हैं जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिही सलातो सलाम के। इन ये है वो मकाम जहां पर जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिही सलातो सलाम के 12 चश्मे हैं। आइए चलिए हम अंदर चलते हैं और अंदर से जाके उस प्यारे से मंजर को आपके सामने लाते हैं। मदीना भी पहली से पहुंची हुई है।
यहां पर जनाब नदरिब्बियाकल हजर का जो वाकया दरपेश आया है वो इस मकाम पर। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिहि सलातो वस्सलाम के